परफॉर्मेंस शुरू करने जा रहे हैं, दो तीन छोटे छोटे एक अनाउंसमेंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि परफॉर्मेंस के समय प्लीज अपना फोन है वो साइलेंट मोड पे रखें और कोशिश करें कि आवाज कम से कम कर सके ताकि जो ये इनकी जो बेहतरीन जो स्टोरी है एक अंतिम छोर तक पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस शो हो रहा है यहाँ पर, जो हमारे लंबे समय से जो आंदोलन चल रहे हैं, छात्र आंदोलन चल रहे हैं पिछले 6 महीने से जो बहुत ही तेज उफान पे है, और इस छात्र आंदोलन के चलते जिस तरह से जेएनयू को एक तरह से निशाना बनाया गया और हमारे छात्र संघ के जो अध्यक्ष है कन्हैया कुमार को अरेस्ट किया गया और उसके साथ में बहुत सारे और छात्रों पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया है, तो आज का जो ये कार्यक्रम है वो इसी मुद्दे के बारे में, वो दास्तान सेडिशन। हमें जहां तक मुझे याद है कि जब विनायक सेन पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया तो इसी जेएनयू में इसी के ऊपर ये अंकित और हिमांशु ने इस पर परफॉर्म किया था। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना एक फोन बंद कीजिए और हम परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। एक जो लाइन एक बात जो हम यहाँ पर ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म का, तो इस मामले में मुझे लगता है सेडिशन पे एक बात करना बहुत जरूरी है कि जब से ब्रिटिश इंडिया में जब ये सेडिशन का कॉलोनी लॉ जब लाया गया था तो हम याद करना बहुत जरूरी है कि किन किन लोगों को सेडिशन के चार्ज पे अंदर किया गया था, जिसमें भगत सिंह है, और अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया में बात करते तो किस तरह से विनायक सेन और सोनी सोरी पर ये सेडिशन का चार्ज लगाया गया। और ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सेडिशन का चार्ज कभी एक नहीं होना चाहिए आइडियली, और हम सब जानते हैं कि सेडिशन का चार्ज है वो लीगली कभी स्टैंड नहीं करेगा, लेकिन इस तरह की जो टारगेटिंग के खिलाफ जेएनयू के जो छात्र है वो हमेशा से खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहते रहेंगे। और इसी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हिमांशु और अंकित जो हमारे आज के परफॉर्मर है मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ आज का परफॉर्मर। बेटा बर्क, वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? वो तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे, उनसे डरना बंद कर देंगे। वाज़ीन, आज की हमारी दास्तान पहली बार 2007 में पेश की गई और इसकी तरतीब मेरे उस्ताद ने दी जब विनायक सेन को गिरफ्तार किया गया उस वक्त। आज इस दास्तान को पेश करने के लिए हिमांशु खास तौर पर वर्धा से आए हैं, जब पीछे जो भी हुई चीजें हम लोगों ने, ये पहली बार ये दास्तान को कर रहे हैं और 2-3 दिन में हम लोगों ने तैयार की है, कुछ कमियां रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। और हमारी प्रोड्यूसर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है अनुषा रिजवी, तो आज की ये पेशकश जेएनयू के उन सभी साथियों के नाम जो कि नाइंसाफी का शिकार हुए हैं। अब जैसे जैसे 2007, जैसा मैंने आपको बताया, पहली बार था जब कि ये दास्तान पेश की गई, लेकिन जैसे जैसे दौर बदला इस दास्तान में तरमीमें हुई हैं, पर इस देश ने हमें मौका नहीं दिया है कि इस दास्तान को पीछे छोड़ के हम आगे चल पड़े। वाज़ीन, शुरू करते हैं दास्ताने सेडिशन। कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मयसर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसी नजारा तो हो नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर
पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस सफर के लिए। कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो गुलगुना कशाने आरज़े शाहिरे बयान इस तरह फरमाते हैं कि तिलिस्म कोहिस्तान का बादशाह है अफरासयाब, कि जिसकी अमलदारी में 60,000 मुल्क जादूगर और जादूगरनियों के आबाद है, कि बादशाह उन मुल्कों के सब अफरासयाब के मुतीर और मिनकाद हैं। पर सहर किया अफरासयाब ने ऐसा कि वो 60,000 मुल्कों के बाशिंदे अपनी अपनी मुल्कियत भूल कर खुद को सिर्फ कोहिस्तान का बासी समझते हैं। सुबह शाम उसके झंडे को सलामी देते हैं, उसके तराने गाते हैं और उसकी तारीफों सना में मसरूफ रहते हैं। तिलिस्म कोहिस्तान के 3 हिस्से और मकाम हैं। पहला हिस्सा इस तिलिस्म का है पर्दे जुल्मात, यानी अंधेरे का पर्दा, पर सहर किया ऐसा कि ना अंधेरा है ना पर्दा, खुले आम चोर डाकू लुटेरे मुजरिम सब के सब उच्च वर्ग के लोग तरक्की और जमहूरियत का विरोध करते रहते हैं। वैसे तो अलग अलग सियासी पार्टियों की पुष्ट पनाही करते हैं, लेकिन अंदर अंदर से सारा माल मिल बांट के खाते हैं। दूसरा हिस्सा इस तिलिस्म का है तिलिस्म बातिन, यानी नजरों से छुपा हुआ तिलिस्म, के जहां मुतवस्सत तबके के लोग रहते हैं। तिलिस्म अमेरिका के शहर में मशहूर रहते हैं। एक घर से दूसरा, एक डिग्री से दूसरी और एक तख्त से दूसरा जमा करने की फिराक में चोला और चैनल बदलते रहते हैं। कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि सहाफत की परस्तिश करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अदालत की महिमा का गुणगान करते हैं, ठंडे ठंडे कमरों में सोते हैं और इजहारे राय के शहर से मुतमईन रहते हैं। बाजे इनमें से ऐसे हैं जो दरसगाहों में ऑल इज वेल का दरस देते हैं। साहब कुछ ऐसे भी हैं जो हर 2 महीने बाद कलम चलाकर या झंडा उठाकर अपनी सियासतदानी पे खुदाई फिदा होते रहते हैं। शहरियों के हुकूक की बातें करते हैं, बिजली सड़क पानी के इंतजाम की शिकायत में मसरूफ रहते हैं। बजाहिर तो ये सब पर्दे जुल्मात की मुखालफत करते हैं, लेकिन बसे पर्दा पर्दा ओढ़ने के मुतमन्नी रहते हैं। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा इस तिलिस्म का है तिलिस्म जाहिर, यानी वो हिस्सा जहां रियाया बराया आम लोग किसान मजदूर अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वगैरह लोग रहते हैं। गलाजत में घर नालियों में बसेरे, न आराम शब को न राहत सवेरे, सुबह से शाम तक ये लोग मशक्कत करते हैं और जुल्मात के पहरेदार इन्हें एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ते रहते हैं ताकि ये अपने घरों को अपने जंगलों को अपने पहाड़ों को अपनी खदानों को अपने देवताओं को बिलखता छोड़कर अपने आबाई वतन से हिजरत करें और कोसों दूर जाकर शाहराहे और पुल बनाए कि जिस पर जुल्मात और बातिन के बाशिंदे सफर कर सकें। और कुछ जो कोही हैं उनकी सोना उगले हीरे मोती उगले जमीन को जुल्मात के बाशिंदों ने तिजारत के बहाने हथिया रखा है। आजरीन अफरासयाब और उसके साथी
अपने बनाए हुए तिलिस्म में जहां पर मकान है, सैरगाहें हैं, इमारतें हैं, उसके ऊपर हवा के तख्त पे सवार सैर करते फिरते हैं और मेक इन इंडिया के कामयाबी पर डॉक्यूमेंट्री बनाया। तो जब अफरासियाब के बनवाए उस तिलिस्म में अय्यारे बेनजीर वाला तदबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर और चार उनके शागिर्द दाखिल हुए तो शक्ल अपनी साहिरों की बनाकर चारों तरफ उस तिलिस्म में फिरना शुरू किया। कहीं सहराए खौफनाक देखा तो कहीं दश्ते हैबतनाक सामने दिखा। इस पात की चट्टाने चट्टानों के पहाड़, पहाड़ों से उठता धुआं साहिर सहर करते आग और पत्थर बरसाते आसमान। गरज के ये सब कैफियतें देखते अय्यार अलहदा अलहदा चले जाते थे कि तभी एक मकाम पर अमर जो पहुंचा तो सहरा अजीब देखा। देखता है कि जंगल सारा चांदी का बना है, कोसों घास की जगह मुकेश उगी है। अब अमर हाजरीन गो के लालची है, उसने ख्याल किया कि अगर मुमकिन हो तो ये जंगल सारा उठा के अपनी जंबील में रख लूं, पर मुमकिन नहीं। फिर सोचा कि क्यों ना हसिया निकालूं और जहां तक मुमकिन हो ये घास काट लूं। अभी हाजरीन घास काटना शुरू ही किया था और थोड़ी ही घास काटी थी कि उसके कानों में एक दिल दहला देने वाली सदा आई। अमर ने जो गर्दन उठा के देखा तो जंगल के बाहर खुले मैदानों में हजारों कोही त्राही त्राही करते लुटे फिटे चलते हैं। अमर ने जो ये माजरा देखा, खुद की शक्ल बदल के कोही की बनाई, कट पस्ता किया, जिस्म काला किया, नाक चपटी की और जब वहां दाखिल हुआ मैदान में, एक अकेला बच्चा जो रोता फिरता था गोद में उसे उठाकर पुचकारने लगा। फिर देखता क्या है कि जितने साहिर हैं वो तो हवा के तख्त पे सवार सैर करते फिरते हैं, लेकिन चार कोही उनसे जुड़े हुए हैं और वहां मैदानों में जितने कोही मर्द हैं या तो बूढ़े हैं या बच्चे जवान नकारत। अपने आप को अकेला मर्द जानकर अमर ने ख्याल किया कि बेटा अमर जितनी जल्दी हो यहां से निकल लो। बस ये सोच के वहां से भागना शुरू किया, पर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि प्यास का गलबा हुआ। उसने सोचा कि पानी पीऊं, डोरी निकालकर कुएं में डाली, पर कुएं में पानी नदारत। पानी की जगह देखता क्या है कि चार कोही हाथ पैर पीछे रस्सी से बंधे, मुंह पे डाटा बंधा, आसमान की तरफ टकटकी लगाए नजर आते हैं। अमर दूसरे कुएं में गया, वहां भी पानी तो नहीं मिला, कोही ही नजर आए। गरज के हाजीन वो जिस भी कुएं पे जाता है प्यास बुझाने, पानी तो वहां नहीं पाता है, चार कोही हाथ पैर बंधे आसमान की तरफ देखते नजर आते हैं। वो हैरान हुआ कि अब क्या करूं, फिर ख्याल आया कि जंबील से पानी निकाल के पीऊं, पर पानी जो पिया तो प्यास का गलबा बढ़ गया। अब हैरान हुआ कि ए अमर, ये कौन सी जगह है कि जहां जंबील की तासीर भी उलट गई। हैरान था कि तभी दूर चटियल मैदान में एक अकेला बड़ का पेड़ दिखा। इसने ख्याल किया कि उसके नीचे जाकर कुछ देर सुस्ता लूं, चला, पर अभी बैठ भी न पाया था कि यकायक बड़ की एक जड़ में खौफनाक शक्ल नजर आई। फिर अमर ने देखा तो वो शक्ल गायब। अमर जब पेड़ के नीचे बैठा तो उसने देखा बड़ की सारी जड़ें झूलने लगी। करीब गया तो पाया कि बड़ की जड़ जड़ न थी बल्कि एक उल्टा लटका कोही था। अमर जो और करीब गया तो उसने पाया कि सचमुच बड़ की हर शाख शाख न थी, एक उल्टा लटका सिन रसीदा लुंड मुंड सूखा डंडा हड्डियों का ढांचा बूढ़ा कोही था। लेकिन कोई उससे आंख न मिलाता था, बल्कि आंख यूं मिचकाता था जैसे आंख हो ही ना।
ये देखा जो अमर ने तो हवा सरसराई और एक सनसनाती हुई आवाज उसके पास पहुंची कि किससे कहें कि हम पे जो सदमा गुजर गया। खाली हुआ अजीजों से घर, दश्त भर गया, दुनिया से दोपहर में मेरा घर का घर गया, बेटा जवान कत्ल हुआ, भाई मर गया। अमर की कानों में ये सदा जो गूंजी, उसने चाहा कि मैं तिलिस्म के अंदर जाऊं, लेकिन तिलिस्म के बाहर जो पहरेदार तैनात थे उन्होंने उसका रास्ता रोका और उससे पूछा, अबे कहां जाता है? भैया मैं तो अपने घर को जाता हूं। घर? कौन सा घर? कोइयों के घर नहीं होते। कोई या तो लश्कर में रहते हैं या शहर में रहते हैं या कारखाने में रहते हैं। तू लश्कर में रहता है और इतना भी नहीं पता? भैया हम तो परदेश गए थे, आज ही लौटे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे हाल बड़ा अबतर है। अरे यहाँ तो हमारे घर थे, यहाँ तो हमारे गांव थे, गांव पे गांव थे, चश्मों पे चश्मे थे, नहरों पे नहरें थी, कहाँ गए वो सब? यहाँ तो हमारी हुकूमत थी। अबे किस बाबा आदम के जमाने की बात करता है? वो हुकूमत भी कोई हुकूमत थी? वो लकड़ियां बीनना, वो पत्ते बटोरना, वो जंगल के सहारे भूख मिटाना, अबे वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी? अब हम पर साहिरों की हुकूमत है, हम तारीख के दायरे में आ गए हैं, हमारा विकास हो गया है। विकास समझता है कि नहीं? कहां से आया? या अगर विकास हुआ ही है तो यहाँ लोग आहुका काय कर रहे हैं? हैं? बताओ, ये बताओ मुझे कि यहाँ पर आप ये हथियार लिए काय फिर रहे हो और लोग अमन चैन क्यों नहीं है यहाँ पर? आप मुझे ये बताइए। अबे बड़ावन चैन की बात करता है, लगता है इसने भी जेएनयू में एडमिशन ले लिया। अय्यार है कि ना अय्यार? अरे भैया मैं तो कोही हूँ। अबे कोही तो हम हैं, जभी तो देख एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने हरकत की, आवाज आई, चुड़ुम 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 चुड़ुम। अमर ने जो माजरा देखा समझा कि मामला गरमाता है, इस फिराक में था कि क्या अय्यारी करूं कि यहां से बाहरने का रास्ता निकलूं। उससे कहने लगा, अरे भैया अगर आप मुझे यहां से जाने देना तो आपको ऐसी चीज दूंगा कि आप ता जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। ये कहकर एक मोती मुर्गे के अंडे के नाप का निकाला और उस पहरेदार को दिखाया। वो देखते ही फरेश्ता हुआ, बोला, ये तो बड़ी कमाल चीज लाया है परदेश से, जरा करीब से दिखाओ। इसे जरा अपने दहन के करीब लाइए और अपने मुंह की भाप देके देखिए, फिर इसकी चमक और आबोताब देखिए। उस पहरेदार ने वो मोती अपने हाथ में लिया, अपने दहन के करीब लाया और मुंह की भाप जो दी कि यकायक वो मोती फुलझड़ी की तरह से फटा, उसमें से धुआं निकला और वो धुआं मुंह और नाक के रास्ते से जाकर दिमाग में पेचीदा हुआ। पहरेदार को चक्कर आया, वो जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। अमर वहां से कुलाचे मारता हुआ निकला, अतरीन भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है कि तभी देखा कि किलकोहिस्तान की फिजा तो एकदम पलट गई है। गांव वीरान पड़े हैं, जंगल बेआबान है, खेत खलियान सूने हैं, ना आदमी ना आदमजात, ना चरिंद ना परिंद, अजीबो गरीब आवाजें आती हैं, जमीन मातमी रंग ओढ़े है, चटियल मैदान पेड़ सूखे, फिरते थे परिंदे प्यासे भूखे, जलते ऐसे वहां के कंकर, चिंगारियां थी कदम कदम पर, जो घास जमी पर वहां थी, सूखी किसी प्यासे की जबां थी। चलती थी गजब हवाए वहशत, फिरता थबो मुब्तलाए वहशत, अमर पसीने में गर्क था, आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी एक पहाड़ अचानक फटा और चूर चूर हो गया, जितने दरख्त थे सब के सब ढेर हो गए, जमीन थर्राई, अमर जमीन पर गिरा और वहां जितने चरिन परिन थे कि तोता मैना फाता हिरन बिच्छू दीमक गिलहरी सब के सब पट पट
करके यकबारगी जमीन पर जले बुझे ओलों की तरह गिर पड़े। अमर ने इसमें आजम का विरद किया, गया एक जगह आफियत की जो पाई तो जफीले अय्यारी बजाई, जिसे सुनकर उसका शागिर्द बर्क फिरंगी आया पास उस्ताद के और बोला, उस्ताद सब खैरियत? बेटा यहाँ तो बड़ा गड़बड़ मामला चल रहा है, तुम बताओ क्या खबर लाए हो? उस्ताद, कोहिस्तान की फिजा पलट गई है, जादूगरों ने कोहिस्तान पे हमला कर दिया है और कोहियों का मुल्क छीन लिया है। कुछ कोही जो हैं वो बागी हो गए हैं और अय्यारों के साथ मिलके जादूगरों से जंग करते हैं, पर जादूगर बड़े चालाक हैं, खुद नहीं लड़ते, कोहियों को हथियार थमा दिए हैं, कोहियों को कोहियों से लड़वाते हैं। कोहियों जादूगर बड़े चालाक हैं, खुद नहीं लड़ते हैं, कोहियों को कोहियों से लड़वाते हैं, कोहियों को कोहियों से मरवाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को उस्ताद फौजी कमाने दे दी। ऐसा निजाम खल्क किया है कि लफ्ज़े अमन कोई ज़बान पे भी लाया या आजादी कोई ख्वाबो ख्याल में भी लाया। तो हाथ पैर बांध के अंधे कुएं फेंक देते हैं। अच्छा, वो जो अमीर ने इन लोगों की मदद के लिए एक हकीम भेजा था, उसका क्या हुआ? उस हकीम ने उस्ताद बहुत खिदमत की, कोहियों को तालीम दी, अंधों बच्चों का इलाज किया, बूढ़ों को शफा बख्शी, उन्हें तालीम सिखाई, उन्हें हिकमत सिखाई, पर इन नामुराद जादूगरों ने उन्हें गिरफ्तार किया और न सिर्फ कोहियों का बल्कि मुल्क का दुश्मन करार देकर जुर्माना और कर दिया। खता उस बेचारे की ये ठहराई कि एक बीमार नाचार सजा याफ्ता अय्यार से मिलने जेल खाने में जाता था, पर दरवाजे पर खड़ा होकर जादूगर जिंदाबाद, जादूगर पाइंदाबाद के नारे नहीं लगाता था, चापलूसी नहीं करता, बस जल के कारखाने में डाल दिया। बेटा बर्ख, ये तो वही बात हो गई कि निसार में तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। बेटा बर्ख, हम लोगों को बहुत बड़ी अय्यारी सोचनी पड़ेगी, कोई समझ रहे हो? उस्ताद कलेक्ट साहिर, बेअदील जादू की अदालत में उस हकीम पर मुकदमा चलाया जाएगा। अच्छा, और इन कमबख्त जादूगरों ने बहुत तगड़ा शहर ईजाद किया है। वो क्या? उस शहर को उस्ताद कानून कहते हैं। अच्छा, इस कानून का कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ एक तोड़ है। वो क्या? वो है खुद कानून। तो उस्ताद, इसी कानून के तहत हकीम पर मुकदमा चलाया जाएगा, आप मेरे साथ चलिए और देखिए क्या होता है। पर क्या हम लोग इस हुलिये में जा पाएंगे? अब उस्ताद, मैं तो फिरंगी हूँ, मुझे तो पार्डन मिल जाएगा। और रही बात आपकी, तो आप ये खाकी वर्दी पहन लीजिए, फिर आपसे कोई नहीं बोलेगा। खाकी वर्दी वालों का आजकल बड़ा बोलबाला है, उनके खिलाफ बोलना देशद्रोह है। तो बेटा ऐसा है कि बात तो तुमने बहुत सही कही है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग अभी नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। अभी तुम अपनी राह लो, मैं अपनी राह चलता हूं, खुदा हाफिज, कल वक्त पे आना। इस अरसे में रात तमाम हुई और साहरे मशरक झोली जर्रारे शुआ के लिए चरखे शोबदाबाज पर आया, यानी सुबह हो गई। अब हाजरीन, निकल आया मशरक से जो आफताब, हुआ फिर से रोशन जहाने खराब, ये दोनों अपना अपना भेस बदल कर मिले और जा ही रहे थे रास्ते में अदालत के अमर ने बर्क से कहा कि बेटा चश्मनम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाप जोला चलो, आ
आज बाजार में पा बजौला चलो, दस्त अफशा चलो, मस्तो रक्षा चलो, खाक पर सर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, रक्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो, चलो। ये कहकर दोनों चलने लगे। चार दीवारी में जो पहुंचे भी अदालत में कदम रखा ही था कि अमर ने देखा कटघरे में हकीम खड़ा है और दूसरी तरफ सरकारी अमला है, आगे कुछ काला लिबास पहने साहिर बैठे हैं और पीछे भीड़ है। अब साहब ये सोच ही रहा था अमर की शुरुआत कब होगी कैसे होगी कि वो काले लिबास पहने साहिरों में से एक आदमी खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में अजीब गरीब जबान में कहने लगा, क्या दिनांक 6/5/7 अथवा उसके पूर्व स्टेशन रोड रायपुर या केंद्रीय जेल रायपुर या केंद्रीय जेल बिलासपुर या कटोरा तालाब रायपुर या होटल महेंद्र रायपुर या होटल गीतांजलि बिलासपुर में अभियुक्त गण ने नक्सली एवं आतंकी गतिविधियों की विध्वंसक कार्रवाइयों को अंजाम देने वाले नक्सली साहित्य समाचार पत्र पत्रिकाएं सीडी कंप्यूटर कैसेट लैपटॉप सीपीयू इत्यादि एवं लेखों एवं अन्य दुष्प्रचार सामग्रियों द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध किया या युद्ध करने का प्रयत्न किया या युद्ध करने का दुष्प्रेरण किया। स्थापित भारत सरकार के खिलाफ साधनों एवं संकेतों द्वारा अप्रीति या अवमान या घृणा प्रदीप्त करने का प्रयत्न किया या घृणा प्रदीप्त करके राजद्रोह का आपराधिक षड्यंत्र कारित किया या विधि विरुद्ध संगठन के खिलाफ प्रयोजन किया या फिर प्रयोजन करने का प्रयत्न किया या उसका अभिदाय प्राप्त करने की कोशिश की या अभिदाय प्राप्त करने के लिए याचना दी या अभिदाय प्रदान किया या कुछ भी किया। अमर ने ये जबान जो सुनी तो बर्क से पूछा, बेटा बर्क ये कौन सी जबान है जो हजरत खिज्र ने मुझे नहीं सिखाई? मानूस मालूम पड़ती है लेकिन बड़े विदेशी अल्फाज। उस्ताद ये आधुनिक संवैधानिक राष्ट्रवादी हिंदी है। वो कौन सी हिंदी थी बेटा जिसमें हमारे जिद्दे अमजद मीर और गालिब शायरी किया करते थे? तो घुसपैठिया हिंदी थी। अब साहिरों ने ये नफीस पाक साफ हिंदी दी है। अच्छा, इस बात को अलग रखो, मुझे ये बताओ कि ये भारत सरकार क्या बला है? उस्ताद हिंदुस्तान को आजकल भारत सरकार कहते हैं। मतलब कि कोहिस्तान पर हिंदुस्तान का कब्जा है? नहीं उस्ताद, कोहिस्तान पर भारत सरकार का कब्जा है। विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य होते हुए उसके प्रयोजन के लिए किसी सम्मेलन अथवा क्रियाकलाप में भाग लिया या उक्त संगठन के किसी सदस्य को संशय प्रदान किया या संशय प्रदान करने की याचना करने का आपराधिक षड्यंत्र कारित किया अथवा विधि विरुद्ध संगठन के लिए प्रबंधन किया या प्रबंधन में सहयोग दिया या उक्त विधि विरुद्ध संगठन के किसी सदस्य या बैठक को बढ़ावा दिया या फिर विधि विरुद्ध संगठन से किसी तरह भी अपने आप को जोड़ा। अमर ने जो ये सुना तो फिर बर्क से पूछा, बेटा बर्क किसने क्या किया? मुझे कुछ मामला समझ नहीं आ रहा है, ये लोग क्या
क्या बातें कर रहे हैं, मतलब इसे कोई रोकता क्यों नहीं है? उस्ताद, जो इन्हें रोक सकते हैं ना इसे, उन्हें ये ज़बान ही समझ में नहीं आती। और ये सारे जितने आपको देख रहे हैं ना बैठे हुए, ये सारे बेज़बान हैं, बस अंग्रेजी में थोड़ी बहुत गिडमिट कर लेते हैं। खामोश, अदालत अभी जारी है। सारे इल्जामात सुनने के बाद कोई शक नहीं रह जाता कि ये शख्स एक मुजरिम है, पर चूंकि हम एक इंसाफ परस्त निजाम है, इसलिए अदालत की कार्रवाई पूरी होगी। अब मैं निहायत काबिल सरकारी वकील साहब से कहूंगा कि अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर, इस शख्स को देख रहे हैं आप जो कटघरे में खड़ा है, ये JNU टाइप शख्स, JNU टाइप, अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। हुजूर हुजूर हुजूर, JNU टाइप शख्स मतलब JNU टाइप शख्स वो लोग जो सरकार से सस्ता खाना खाकर सरकार से सस्ती तालीम पाकर, सरकार का दिया सस्ता हॉस्टल उसमें रहकर सरकार की ही बुराई करते हैं। दूर देखिए, मतलब कुर्ते के साथ जीन्स पहनते हैं, बात बात पे बात बात पर दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले आप इनसे पूछिए कि दाढ़ी क्यों? हाँ जी, जवाब दीजिए, दाढ़ी क्यों रखी? दाढ़ी रखना जुर्म है क्या? जुर्म नहीं है, पर जुर्म का परिचायक तो हो सकता है। लॉर्ड, एग्जैक्टली, मैं कहता हूं कि ना तो ये मुसलमंटे हैं, ना ही सरदार और ना ही गंजेड़ी साधु, तो फिर दाढ़ी कैसे और क्यों कर? हुजूर, सर्वविदित है कि दाढ़ी बढ़ाने वाले शख्स एक खास मानसिकता, एक खास तबके के तत्व होते हैं। ये वो तत्व होते हैं जो विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के खिलाफ अप्रीति, अपमान, घृणा प्रदीप्त करते हैं। हुजूर, मैं ये पूछता हूं कि क्या कोई आम अशिक्षित संस्कार युक्त ग्रामीण राष्ट्रवादी हिंदू बिना बात के दाढ़ी रखता है? नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं रखता। एक आम हिंदू तभी दाढ़ी रखता है जब वो अपने देश से, अपने समाज से, अपनी सरकार से असंतुष्ट होता है। यहां सवाल ये उठता है कि 56 इंच के सीने वाली सरकार से, 56 इंच के सीने वाली सरकार से असंतुष्ट होने का क्या मतलब है? आज जो असंतुष्ट है ना, वो कल अराजक होगा, परसों राजद्रोही होगा, और तरसों देशद्रोही होगा। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कैसे लोगों ने दाढ़ी बढ़ाई हुई है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि दाढ़ी ही निशान है, दाढ़ी ही पहचान है, दाढ़ी ही अभियोग है, और दाढ़ी ही सबूत है मिलाओ।
मैं आपको बताता हूं कि मैंने दाढ़ी क्यों रखी। मैंने किताब पढ़ी थी जिसमें गोरा शख्स अपने मुंह पर कालिक पोत कर पूरे अमेरिका का भ्रमण करता है ताकि वो ये महसूस कर सके कि नस्लवाद को झेलना क्या होता है। उसी तरह 1992 में जब हमारे मुल्क में बाबरी मस्जिद कांड हुआ तो जो हाल था, जिस तरह से एक संप्रदाय आतंकित था, तो उसे देखते हुए मैंने दाढ़ी बढ़ाने का फैसला किया ताकि मैं ये महसूस कर सकूं कि शक के दायरे में जीना क्या होता है। देखिए 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 हुजूर, ये मंशा शरारती नहीं है तो और क्या है? हाँ बताइए, कहाँ अमेरिका का नस्लवाद, कहाँ हमारे मुल्क की मिली जुली तहजीब, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हुजूर, ये जानते हुए एक हिंदू होकर ये मुसलमान होने का ढोंग करना, पुराने जख्मों को कुरेदना, ये झूठी हमदर्दी नहीं है तो और क्या है? अरे मैं कहता हूं पाखंड है, नैतिकता विरोधी है, और तुष्टीकरण का इससे बड़ा पुष्टीकरण हो ही नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर दाढ़ी रखी थी तो मुड़वाई क्यों? बताइए जी, जवाब दीजिए। अरे कोई जवाब नहीं है हुजूर, ये खामोशी, ये चुप्पी, ये निरुत्तरता, ये एक अकेली चीज इन्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। बेशक बेशक काफी तो है, पर अदालत इसकी बेगुनाही में कोई गुंजाइश रखना नहीं चाहती कि ये बेगुनाह रहे। इसलिए मैं आपसे ये पूछता हूं कि अदालत की नजर में ये कौन है? हुजूर एक कुख्यात आतंकी और साजिशी है, और कौन? जुर्म क्या है इसका? जुर्म? हुजूर नारे लगाता है, बीच यूनिवर्सिटी में भाषण देता है, कहता है कि अगर तुम्हारी भारत माता में मुझे अपनी मां शामिल नहीं नजर आती तो तुम्हारी भारत माता में। और क्या कहता है? कहता है कि मैं हकीम हूं लेकिन एक बागी ना अय्यार से मिलने जेल में जाता था, लेकिन जेल में मिलने के बहाने उसके बागी खतूत, उसके पैगाम बाहर जो बागी कोही थे उन तक पहुंचाता था। ये नक्सली डाकिया। ऐसा किस बिना पर कहा जा सकता है? हुजूर देखिए, पहली बात तो ये कि इनसे, इनके बिना कोई दूसरा शख्स उस बागी ना यार सरदार से मिलने जेल में गया ही नहीं, और दूसरा ये कि जहां से गिरफ्तार हुए उसी शहर से, यानी भद्रलोक नगरी से, हमें एक ताजिर के घर से 3 खतूत बरामद हुए उस ना यार सरदार के, इसी ने दिए होंगे। कोई गवाह, कोई सबूत? हुजूर देखिए, मुतबर खबर है, जब ये गिरफ्तार हुआ ना तो एक राहगीर गुजर रहा था, उसने उड़ती उड़ती खबर सुन ली। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे शहंशाह को उड़ती उड़ती बातों में कितना। जगह जगह जाल बिछाए हुए हैं उड़ती उड़ती बातों में टैप करने के लिए। बेशक बेशक, शहंशाह अफरासियाब को तो बस उड़ती हुई बातों पर ही भरोसा है। बिल्कुल हुजूर, और बात उड़ती है तो दूर तलक टाइम्स नाउ तक जाती है। जाती तो है, पर इस पर इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि जब जेल में जाते थे ना उस बागी नाइयार सरदार से मिलने, तो कह रहे हैं कि वहां तो सरकारी अमले वाले लोगों को, पहरेदार निगरानी वाले, वो तो मौजूद होते थे, तो कैसे मुमकिन है कोई चीज दी गई हो या ली गई हो।
उसमें ना एक पेच और है हुजूर, ये हमारे सरकारी अमले वाले लोग वो भी कह रहे हैं कि जब ये अंदर जाता था बाहर आता था हम छानबीन करते थे, कोई मुमकिन ही नहीं कि कोई चीज ली गई हो या दी गई हो। अब हुजूर उसमें मेरा ये कहना है कि ये नौकर है ना, सरकारी तनख्वाह लेते हैं, हम भी सरकारी लोग हैं, तो इनको हमारे हक में बयान देना चाहिए, मुजरिम के हक में कैसे बयान दे सकते हैं। आप ना ये ऐलान कर दीजिए कि जो आदमी मुजरिम के हक में बयान देगा उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया जाए। अदालत ये ऐलान करती है कि जो शख्स भी मुलजिम की तरफदारी करेगा या उसके हक में बयान देगा, अदालत उसे हॉस्टाइल करार देगी। और वैसे भी वकील साहब आपकी दलीलों में दम है, क्योंकि जब उस बागी नायार सरदार से इनके अलावा कोई मिलने ही नहीं गया और वो ताजिर भी इन्हीं के शहर से पकड़ा गया, तो फिर वो खत इसी नक्सली डाकिये ने वहां पहुंचाए होंगे। और वैसे भी ये तिलिस्म है, यहां खत पहुंचाने के लिए सामने से मिलना जरूरी थोड़ी होता। सही बात है, बहुत मतलब नुस्खा निकाला है, क्या बात। बहरहाल वकील साहब आप अगला सबूत पेश कर दीजिए। ठीक है हुजूर, ये जो शख्स है ना जो कटघरे में खड़ा है, ये एक विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य है, मतलब कि हो सकता है। मतलब अगर नहीं भी है तो ये मानसिकता तो वही रखता है। अगर मानसिकता नहीं रखता तो कम से कम इसे उससे हमदर्दी तो है। और हुजूर उसकी वजह ये कि आज तक इसने कभी भी खुले दिल से उनकी मजम्मत नहीं की है। अब देखिए जो आदमी हमेशा ऊपर ऊपर से भर्त्सना करता है ना, वो दिल में हमेशा हमदर्दी लिए हुए होता है। तो ये साबित हुआ कि ये बेशक उनके साथ है। और बाकी बात रही इनकी सदस्यता की, आईडी कार्ड वगैरह की, हम एक वीडियो डॉक्टर कर रहे हैं, कल तक पहुंच जाए। इनका क्या पक्ष है इस पर? हुजूर ये लोग बड़े दूर की कौड़ी लाए हैं। कहते हैं कि अदालत आलिया ने हाल ही में कहा है कि विधि विरुद्ध संगठन का महज सदस्य होना कोई जुर्म नहीं है। ज्यादा हमें कानून न सिखाइए। अदालत आलिया यहां बैठी है, उसे क्या मालूम ग्राउंड रियलिटीज। और वैसे भी टेढ़े कानून के तीसरे हिस्से की पांचवी आयत के मुताबिक किसी विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य होना कानूनन शर्म है। पर वकील साहब आप एहतियातन कुछ ठोस सबूत पेश कर दीजिए। हुजूर हमें इनके घर से एक खत मिला उस बागी नायार सरदार का, इन्हें शुक्रिया अदा करता हुआ। इनके घर के एक आले में मुंह छिपाए था, हमने कागज पे उतार लिया। इन्होंने क्या कहा? हुजूर ये कहते हैं कि जब माल खाने में सारे दस्तावेज जमा किए गए थे, इनके दस्तखत लिए गए थे, अगर ये खत भी होता उस पर इनका दस्तखत होता। लेकिन हुजूर उसमें मेरा ये कहना है कि हम तो एक तिलिस्म में है ना, यहाँ तो कोही से कोही जुड़ा हुआ है, कागज से कागज जुड़ गया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, साथ में जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, आग बिन धुआं तो होता नहीं है। सही बात है हुजूर। और जहां धुआं है वहां आग है, जहां आग है तो वो निजाम के खिलाफ है, और जहां निजाम के खिलाफ कुछ है तो नियत में इनकी खोट है। पर फिर भी वकील साहब आजकल मीडिया वाले हैं ना, ये कमबख्त बहुत परेशान करते हैं, बड़े इल्जाम लगाते हैं, तो इनकी तसल्ली के लिए कुछ सबूत और पेश कर दीजिए। हुजूर इनके घर से हमें दो चीजें बरामद हुई हैं, एक तो है एक रिसाला आवामी मोर्चे का, समझ रहे ना हुजूर, आवामी मोर्चा पीपल्स फ्रंट, नाम से कितना तकरीबी मालूम होता है, उसका एक रिसाला, उसका हमें एक शुमारा मिल गया। और दूसरी चीज जो मिली है वो है सिल्वा जुड़ूम कानून के खिलाफ एक पैम्फलेट।
पिछले 200 सालों की इंसानी तारीख में ये पैम्फलेट नाम की चीज जहां भी कहीं पाई गई है, वोल्टेयर से लेकर CPIML तक फितना और फसाद की बायस रही है हुजूर। और जब ये बच्चू फंसे तब इन्होंने क्या कहा? कहते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं ये आम तौर पर दस्तयाब है, आम तौर से मिल जाती हैं। लेकिन हुजूर मेरा उसमें ये कहना है कि कोई आम चीज जब एक मुलजिम के घर से मिलती है ना, तो वो खास हो जाती है। हुजूर देखिए, क्योंकि ये मशकूक चीज इनके घर से मिली है इसलिए मुलजिम है, और चूंकि ये मुलजिम है इसलिए इनके घर से बरामद होने वाली हर चीज मशकूक है। ये ना दौरी मंतक है, दौरी मंतक आजकल पुलिसियों को बड़ी पसंद है। देखिए पर मेरा सवाल ये है कि इन्हीं के घर से क्यों? जाहिर सी बात है, गीता भक्त गणों के ही तो घर से मिलेगी। नीयत इनकी जाहिर हुई, अब कुछ इनके रवैये के बारे में बताया जाए। पूछिए हुजूर इनके रवैये के बारे में माफी। अरे इतनी सीनाजोरी दिखाते हैं, इतनी सीनाजोरी दिखाते हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे सरकारी अमले के जो लोग हैं ना, वो अल अफसर वगैरह, वो जाते हैं आवाम और सरकार, सरकार और आवाम के बीच में प्रीति प्रदीप करने जाते हैं वो, इनके लोग बीच में आके अप्रीति प्रदीप करते हैं। देखिए इनकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर एक दिन हमारे आला अफसर ने बड़ी नर्म दिली से इनसे कहा, बड़ी नर्म दिली से कि देखिए अगर आप अपनी इन हरकतों से तंग नहीं आएंगे ना तो हम आपको देख लेंगे। जानते हैं हुजूर इन्होंने क्या कहा? आंखें निकाल कर कहा, लाजिम है कि हम भी देखें। मैं कहता हूं कि हम दुनिया को देखें और ये हमें देखेंगे। अच्छा, अपने आप को शहंशाह अफरासी आप समझते हैं ना, कि बनिगा एक कहर हमें घूरेंगे और हम भस्म हो जाएंगे। नीचे की जो निगाह। पर वकील साहब आप जो है ना, दिल्ली और मुंबई में कुछ उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए दो चार सबूत, एक आधा सबूत और पेश करिए। हुजूर इनकी बेगम ने एक खत लिखा था ISI के हॉल्टर लड्रेंडिस के नाम। ISI? मैं ईसाई? हौसला है मिशनरियों का? नहीं नहीं नहीं, जहां भी घुसा ये वो वाला ISI नहीं है, ये वो सामाजिक इदारा है, सामाजिक इदार के काम। गुड क्वेश्चन। मैं ये पूछता हूं कि जब हमारे उलमा हमें ये बात अच्छी तरह समझा गए हैं कि अगर किसी चीज को शराब की मुशाबहत भी दे के पिया जाए तब भी वो हराम है, तो मैं ये पूछता हूं कि मिलते जुलते नाम वाले इदारे को खत लिखने की जरूरत क्या थी? इस बात में कोई शक नहीं कि ये शख्स मुजरिम है, पर इंसाफ का तकाजा है कि मुलजिम को अपनी दिफा में बोलने का एक मौका दिया जाए। तो मैं इससे पूछता हूं कि क्या तुम्हें कुछ कहना है अपनी दिफा में? मुझे अपनी दिफा में कुछ नहीं कहना, पर मैं एक बयान दोहराना चाहता हूं जो आज से 96 बरस पहले ऐसी ही एक अदालत में ऐसे ही इल्जाम के जवाब में दिया गया था। अदालत को किसी और के बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसका बयान है?
हुजूर वो हम सब के बापू थे। हम सब के बापू मतलब? बापू हुजूर बापू, जिनके बारे में परसाई जी ये कह गए हैं कि बापू एक दिन लोग तुम्हें इसलिए जानेंगे कि नाथूराम गोडसे ने तुम्हें गोली मारी। तो सीधे सीधे गांधी कहिए ना, ये हम सब के बापू कह के अदालत को गुमराह क्यों कर रहे? चलिए बयान दीजिए। जिस कानून के तहत मुझ पर ये इल्जाम लगे हैं वो ताजिराते हिंद की सियासी पाबंदियों और जबर के कानूनों का सरताज है और शहरियों की आजादी को कुचलने के लिए वजूद में आया है। किसी सरकार के लिए खैरखाही या खैरअंदेशी कानून के जरिए जबरदस्ती नहीं पैदा की जा सकती। अगर कोई किसी फर्द से या किसी निजाम से बदजन है तो उसे बदजनी के इजहार का हक है, तब तक जब तक के वो तशद्दुद को शह नहीं देता। पर इस कानून के तहत बदजनी का इजहार तक जुर्म है। क्या बात है? मैंने इस कानून का मुताला किया है। इसके तहत हिंदुस्तान की चंद अजीम तरीन हस्तियों को सजा मिली है। आज उस फहरिस्त में मेरा नाम जुड़ गया, मुझे इस बात पर फख्र है। मुझे लगता है कि ये कानून बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ बदजनी का इजहार करना कार्य खैर है, बल्कि ऐसी सरकार के लिए खैर खाही रखना अपने आप में कार्य गुनाह और कार्य जुर्म है। मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर जो कमजोरों के लिए तलवार की धार है और जबरदस्त के लिए बागो बहार है। जो अपने लिए नगमाए साज है और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे लिए ही पैदा हुए हैं दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी ही रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबों कहानी है। तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है। हुजूर इन्हें कहिए सौरभ मोदी की फिल्मी डायलॉग मारना बंद करें। ये सब करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। अदालत जज्बातियत की रौ में आकर फैसला नहीं देती। बेशक हमारे यहाँ कानून अंधा होता है और इन अय्याम में तो कानून कुछ ज्यादा ही अंधा। यकीनन अदालत जज्बात की रौ में आके फैसला नहीं सुनाती। इनका गुनाह साबित हुआ। हमारे यहाँ अमल से अफजल निजाम है, जात से अफजल निजाम है और निजाम से अफजल नीयत है और नीयत में इनकी खोट है। अदालत इनकी अर्जी और इनकी हस्ती दोनों को खारिज करती है। और पेशकार साहब जरा यहां आइए, ये जो बापू है ना,
इनकी फाइल भी निकलवाइए। इनका भी मामला मशकूक लगता है। अमर ने जो ये बात सुनी, बर्क को इशारा किया, बेटा बर्क यहाँ से चलो, हमारे ठहरने की जा नहीं, क्योंकि हमारी भी नियत में खोट है। बेटा मैं तो तिलिस्मे होश रूबा गया, तिलिस्मे जमशेदी गया, तिलिस्मे नूर अफशा गया, पर ऐसा तिलिस्म कहीं नहीं थे। बेटा अब इस अकेले हकीम को तो मैं कुछ अय्यारी करके छुड़ा लूंगा, लेकिन लगता है कि इनके कैद खानों में हजारों लाखों लोग बंद हैं जिनकी तो समाज तक नहीं होती। मुझे तो उन बाकियों का डर है। तो बेटा बर्क, मैं तो कहता हूं उसको फांसी दे दो। वो कहता है उसे रोटी कपड़ा चाहिए। इतना ही नहीं, उसे न्याय भी चाहिए। इस पर से उसे सचमुच आजादी चाहिए। उसे फांसी दे दो। वो कहता है उसे हमेशा काम चाहिए। काम ही नहीं, काम का फल भी चाहिए। काम और फल पर बेरोक दखल भी चाहिए। उसे फांसी दे दो। वो कहता है झूठा भाषण नहीं चाहिए। झूठे वादे हिंसक शासन नहीं चाहिए। भूखी नंगी जनता की चलती छाती पर नकली जनतंत्री सिंहासन नहीं चाहिए। उसको फांसी दे दो। वो कहता है अब वो सबके साथ चलेगा, शोषण की तिखी व्यवस्था को बदलेगा। किसी विदेशी ताकत से वो मिला हुआ है। इस गद्दारी का फल उसे तुरंत मिलेगा। आओ देशभक्त जल्ला दो। पूंजी के देशभक्त जल्ला दो पूंजी के विश्वस्त पियादों। उसको फांसी दे दो।